हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा मिश्रा। आप सभी का एक्सीलेंस में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। स्टूडेंट, यहाँ हम आपको प्रोटीन से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि नेट होम साइंस में प्रोटीन से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो आइए देखते हैं। नंबर वन क्वेश्चन देखिए। प्राणिज भोज पदार्थों और वनस्पति भोज पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? ए खनिज लवण, बी वसा, सी प्रोटीन और डी उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन सही होगा डी, उपयुक्त सभी। प्राणिज भोज पदार्थों और वनस्पति भोज पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है, ए खनिज लवण, बी वसा, सी प्रोटीन, डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। और ये नंबर टू क्वेश्चन देखिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, वन दूध प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं माना जाता है, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन उच्च गुणवत्ता का होता है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, ए केवल पहला, केवल वन, बी केवल टू, सी वन और टू दोनों और डी ना तो वन ना तो टू। तो यहाँ स्टूडेंट आपका हो जाएगा ये सी, वन और टू दोनों सही है। इसमें दूध प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं माना जाता है क्योंकि दूध में कुछ ही मात्रा में ही प्रोटीन होता है। और नंबर टू जो है, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन उच्च गुणवत्ता का होता है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये भी सही है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है? सी, सी ऑप्शन सही है यहाँ, पहला और दूसरा। स्टूडेंट अब नंबर थ्री क्वेश्चन देखिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रोटीन के प्रमुख वन देखिए, प्रोटीन के प्रमुख तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है। टू देखिए, प्रोटीन में इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी तत्व नहीं पाया जाता, शरीर के लिए लाभदायक है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ देखिए, ए केवल वन, बी केवल टू, सी वन और टू और डी ना तो वन और ना ही यहाँ टू, ना ही टू। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन, ये थ्री का क्वेश्चन सही होगा ए केवल वन। प्रोटीन के प्रमुख तत्व कार्बन, यहाँ देखिए, प्रोटीन के प्रमुख तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है। ये क्या है? ये सही है। और ये नंबर टू देखिए, प्रोटीन में इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी तत्व नहीं पाया जाता, शरीर के लिए लाभदायक है। तो यह क्या है? गलत। तो इसीलिए कौन सा सही होगा? तो केवल पहला, केवल वन सही होगा। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए फोर नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर वन, प्रोटीन भी कार्बोहाइड्रेट की तरह 1 ग्राम की मात्रा में 4 कैलोरी ऊर्जा देता है। टू देखिए, प्रोटीन से प्राप्त ऊर्जा गुर्दों के लिए लाभदायक है, उपरोक्त कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो स्टूडेंट फोर में जो है, इसमें देखिए, ए केवल वन, बी केवल टू, सी वन और टू, डी ना तो वन और ना ही टू। तो स्टूडेंट यहाँ फोर में जो है वो सही होगा ए, ऑप्शन ए केवल वन, केवल वन सही होगा। प्रोटीन भी यहाँ फोर्थ में प्रोटीन भी कार्बोहाइड्रेट की तरह 1 ग्राम की मात्रा में 4 कैलोरी ऊर्जा क्या देता है। तो ये ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ये आंसर सही होगा। अब नंबर फाइव क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वन देखिए, क्वाश्योरकर का शाब्दिक अर्थ है क्या? लाल लड़का। और नंबर टू देखिए, क्वाश्योरकर प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से होने वाला मुख्य रोग है। तो स्टूडेंट यहाँ फाइव में जो है आंसर देखिए, उपरोक्त कथनों में कौन से कथन सही हैं? ए केवल वन, बी केवल टू, सी वन और यहाँ टू भी होगा, वन और टू और डी ना तो वन ना तो टू। तो स्टूडेंट यहाँ सही होगा क्या? फाइव का सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। अब ये नंबर सिक्स देखिए। शरीर में प्रोटीन ए कोशिका निर्माण करता है, बी मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, सी कोई कार्य नहीं करता और डी चर्बी बढ़ाता है।
तो क्या करता है? शरीर में प्रोटीन कोशिका निर्माण करता है। ए ऑप्शन शिक्षिका, ए ऑप्शन सही होगा, कोशिका निर्माण करता है। अब स्टूडेंट आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। क्या 7 नंबर? ए 7 नंबर। मराश्मश रोग होता है वसा की कमी से। ए वसा की कमी से, बी प्रोटीन की कमी से, सी प्रोटीन की अधिकता से, डी वसा की अधिकता से। तो स्टूडेंट मैं आपको पढ़ाई हूँ पिछले वीडियो में कि मराश्मश किस रोग से होता है, किसकी कमी से मराश्मश रोग, तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 7 का बी, प्रोटीन की कमी से होता है। अब नंबर 8 क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, प्रोटीन विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों के संयोजन से बनता है। 2, यमिनो अम्ल कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रासायनिक सम्मिश्रण है। उपरोक्त कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, और डी ना तो 1 और ना ही सी ना ना ही 2। तो यहाँ ऑप्शन क्या सही होगा? सी, 8 का सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। 8 का सी ऑप्शन क्या? राइट होगा। दोनों सही है, ये भी राइट है और ये भी सही, दोनों सही है। अब स्टूडेंट आइए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वाशियोर्कर रोग किसकी कमी से होता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी खनिज लवण, सी वसा और डी प्रोटीन। तो स्टूडेंट ये प्रोटीन की कमी से होता है। यहाँ देखिए नंबर 10 क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है दूध। ए दूध, बी दही, सी सोयाबीन, डी हरी सब्जियाँ। तो यहाँ स्टूडेंट सी सही होगा। क्या? सी, सी सोयाबीन सही है। सोयाबीन राइट आंसर है। अब स्टूडेंट आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ए 11 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन पदार्थों के संगठन में निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल नहीं पाया जाता? ए अर्जिनाइन, बी लाइसिन, सी लाइपेज और डी थियोनाइन। तो यहाँ सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, लाइपेज। लाइपेज क्या होगा? राइट होगा। अब स्टूडेंट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन में पाए जाने वाले तत्वों का, देखिए तत्वों का अवरोही क्रम निम्नलिखित में कौन सा है? स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट MMI है ये, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है नेट में बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ देखिए, प्रोटीन में पाए जाने वाले तत्वों का अवरोही क्रम निम्नलिखित में कौन सा है? ए देखिए कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर। बी देखिए कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन सल्फर सल्फर। सी देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन सल्फर। डी देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर कार्बन नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी कार्बन होगा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर सल्फर। तो 12 नंबर में कौन सा सही होगा? बी। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, कब प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती? ए पीलिया में, बी कुपोषण में, सी हेपेटाइटिस में और डी वायरल में। तो जवाब को कुपोषण होगा, यानी 30 का क्या आंसर? बी, बी आंसर क्या होगा? राइट। जब आपको कुपोषण होगा तब आपको प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है, ये बी आंसर सही है। और स्टूडेंट यहाँ देखिए 40 क्या है क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन है, मोरेश्मस बीमारी पाई जाती है। ए 6 मास से कम आयु के बच्चों में, बी 1 वर्ष से कम के बच्चों में, सी 2 वर्ष से कम के बच्चों में, डी 5 वर्ष से कम के बच्चों में। तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी राइट होगा, बी, बी जो है राइट होगा। 1 वर्ष से कम के बच्चों में जो है वो मोरेश्मस बीमारी क्या पाई जाती है। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन है,
मोरेस्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह ए कमजोर होता है, बी भूखा होता है, सी गुस्से वाला होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ राइट आंसर ए होगा क्योंकि वह क्या होता है, कमजोर होता है, कमजोर होता है, इसीलिए वो उसे क्या होता है, उसे चिड़चिड़ाहट होती है और वो बच्चा क्या होता है, कमजोर हो, बहुत कमजोर हो जाता है, वो हर बात पे क्या करने लगता है, गुस्सा करने लगता है, उसको चिढ़ाने लगती है। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन की इकाई है, प्रोटीन की इकाई है वसी ए, वसी मतलब बी सिट्रिक एसिड और सी अमीनो एसिड और डी ग्लूकोज। तो यहाँ स्टूडेंट यहाँ सही होगा आंसर सी अमीनो एसिड, अमीनो एसिड क्या राइट आंसर है। अब स्टूडेंट यहाँ 7th देखिए, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है ए आयोडीन, बी यूरिया, सी कार्बोहाइड्रेट, डी ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यूरिया, बी, बी क्या होगा राइट आंसर होगा। स्टूडेंट आपको हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।